तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आज MDF बेड में पॉलिश करेंगे, स्प्रे पॉलिश। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। MDF बेड में सीलर का काम हो चुका है पहले से। उसके बाद पुराना पेपर 120 नंबर या 220 से पुराना पेपर से अच्छा तरीका से पेपर मार दे। चलिए, मारने के बाद अच्छा से कपड़ा से उसको साफ कर ले। अब इसको कोई टेबल या कुछ में आप इसको सुला के रख दे। सुलाने के बाद ब्रोन का बीच में रेशा बना लेंगे। ये पत्ती चापड़ा स्पिरिट का पॉलिश का है। ब्रोन के साथ बनाया जाता है। चलिए, रेशा बनाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। दो कलर में होगा पॉलिश। देखिए, रेशा का काम बीच का हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको भी ऐसे ही कर देंगे रेशा। देखिए, रेशा का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको छोटा गन से ब्लैक कलर साइड साइड मार लेंगे। चलिए, आप लोगों को मार के दिखाते हैं। इसलिए एक हाथ से मोबाइल पकड़े हुए हैं, इसलिए मारने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो बीच वाला को पूरा ब्लैक कर देंगे। बीच वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर का जो पट्टी है उसको पूरा ब्लैक करेंगे बड़ा गन से। और इसके लिए हम आप इसको पूरा टैपिंग भी कर सकते हैं बीच में। पुराना सरमाइका को लगा के मार रहे कि अंदर की तरफ इस तरह ब्लैक कलर ना पड़े। इस तरह आप पट्टी को मार लें। चलिए, पूरा मार के आप लोगों को दिखाते हैं। पूरा मार के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा ब्लैक का कलर का काम हो चुका है। देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है कंटाप कलर। इसके बाद फाइनल कोट मारेंगे मेलामेंट ग्लोसी। ये उर्फिन का है मेलामेंट ग्लोसी, फेविकॉल कंपनी का है, सस्ता है, बहुत अच्छा है। ये हार्डनर है। ये थीनर है। दोनों को मिक्स करने के बाद 5 मिनट इसे छोड़ दे।
5 मिनट के बाद आप पलंग में मारने के लिए तैयार। दो हाथ कम से कम मारे, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग और जो इसका चिकनाहट है वो आएगा। तीन हाथ भी मार सकते हैं लेकिन थोड़ा सा रुक के मार, लगातार मारिएगा तो सही नहीं रहेगा। तो हमारा ग्लॉसी काम कंप्लीट हो चुका है। शाइनिंग आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।